अब तक का सबसे बड़ा जो स्टेप है वो नीट पोस्टपोन करने को लेके अभी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ कि भी क्या यहाँ पे बड़ी अपडेट है वो निकल के आई है नीट पीजी 2022 पोस्टपोन करने को लेके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन है वो दिया गया है, किसको दिया गया है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सुखपाल सिंह तूर सर ने यहाँ पे एक ट्वीट किया है कि ओवर 15,000 नीट पीजी 2022 एस्पिरेंट्स राइट टू पीएमओ इंडिया टू पोस्टपोन नीट पीजी 2022 सीकिंग अपॉइंटमेंट टू मीट थ्रू एन इमोशनल अपील। तो यहाँ पे एक ये देख सकते हो एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे दिया गया है, किसको दिया गया है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये दिया जाएगा न्यू दिल्ली में, आज की तारीख में लिखा गया है, हालांकि ये कल तक पहुँच जाएगा। और इसमें बोला गया है कि भाई जो 15,000 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये मतलब लिखा है, और इसमें लगभग सभी है वो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। और एक देखो आपने देखा होगा कि एक पोल क्रिएट किया गया था जिसमें 99% स्टूडेंट ने ये 8,000 उसमें कुछ वोट हुए थे, 99% ने ये बोला था कि भाई एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड ही होना चाहिए। अगर हम बात करें इसको लेके कि भी क्या मतलब चल रहा है, देखिए कल एक प्रोटेस्ट, कल तो नहीं होगा लेकिन संडे को प्रोटेस्ट है वो आपका होने वाला है, संडे को प्रोटेस्ट होगा जिसके बाद मतलब पता चलेगा एक इस चीज़ का दबाव है वो सरकार पे बनेगा। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है वो 10 तारीख से पहले पहले आपकी हो जाएगी, एक उम्मीद ये यहाँ पे ये भी है।